लुक्स प्लस सरकारी नौकरी का परफेक्ट एग्जांपल है महिंद्रा बोलेरो। हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष सिंह, वेलकम टू यूटी कार्टेक। और आज अपने पास है सब 4 मीटर की सबसे कामयाब 7 सीटर एसयूवी महिंद्रा बोलेरो, जो कि 20 साल से रूरल मार्केट पे एक तरफा राज कर रही है। एंड ये करंटली इसका B6 वेरियंट है, जिसकी ऑन रोड प्राइस यूपी में 11.25 लाख के आसपास है, और ये इसका सेकेंड टॉप वेरियंट है। सो लेट्स डू अ क्विक वॉक अराउंड, एट लास्ट वी विल सी शुड यू कंसिडर इट ऑर नॉट। अपीलिंग एंड बॉक्सी साइज का फ्रंट स्टांस आपको इसमें आता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन, एमहॉक डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 75 bhp एंड 210 nm का टॉर्क। आपको यहाँ पे इंसुलेशन दिया हुआ है, और ये एमहॉक इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, बट ये थोड़ा सा अंडर पावर लगता है। मतलब इसका जो कर वेट है गाड़ी का वो 1600 kg है, और इतना कम अंडर पावर्ड इंजन, बट इसका जो टर्बो है ना वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, बस टॉप एंड इसका फ्लैट है। आपको यहाँ पे भी लाते हैं मल्टी रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प, जिनका थ्रो ओके है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, और ये हेडलैम्प यूनिट टर्निंग फंक्शन के साथ आती है। आपको यहाँ पे कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं दिया हुआ है, टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है, और इसमें भी आप एज एक्सेसरी पैक इसको लगवा सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाती है 7 स्लैट ग्रिल, महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे हॉर्न दिया हुआ है, और ये इसका लोअर बम्पर, जो कि बम्पर मतलब बॉडी कलर डी है। और देखो ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा फील होता है, बट ये है ओवरऑल 180 mm ही, क्योंकि सेम एज बॉडी लेवल होने की वजह से आपको इसमें भी हम्प मिल जाता है नीचे, जो कि उसको प्रॉब्लम करती है। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको इसके दो वाइपर, रेन सेंसिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल आपको यहाँ पे मिलेंगे। फेंडर पे ही दिया हुआ है इसका इंडिकेटर। आपको मिल जाते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स विथ प्रोफाइलिंग ऑफ 215/75R40 mm, और इसका जो टायर एरिया वो काफ़ी अच्छा है, जो कि ख़राब रास्तों पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपको RPM पे कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सही है मैनुअल ही है, और ये इसका बाबा आदम के ज़माने का एंटीना। और यहाँ पे आपको डोर हिंजेस ओपन ही मिलते हैं क्लासिक लुक प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ गाड़ी ऊँची है, तो आपको फुटरेस्ट दिया हुआ है, कुछ इस पर स्टिकर्स लगे हुए हैं, और इसका जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर आपको नहीं मिलता, काफ़ी ओल्ड मॉडल, और फिजिकल एंट्री के साथ ही आता है, इसमें कोई पैसिव वगैरह नहीं आती। यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक, और यहाँ दिया हुआ है रियर डिस्क ब्रेक, और ये रहा इसका डीजल टैंक, जो कि 60 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, और ये माइलेज आपको 15 से 18 देगा। कुछ लोग इससे 20-20 भी निकालते हैं, बहुत लीलियन चलाने की ज़रूरत है तब। और आपको यहाँ पर मिल जाती है काफ़ी फ्लैट इसकी रूप, मतलब इस पर स्पॉयलर वगैरह लगवाते हैं लोग, और मेनली तो रूफ रेल्स इस पर काफ़ी ऑड फील होने लगती हैं, वैसे आपकी चॉइस है वो। यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका स्पेयर व्हील, महिंद्रा का लोगो, बोलेरो की बैजिंग, और इसमें ही आपको दिए हुए हैं यहाँ पे डोर हिंजेस, इसके ओपन है, और यहाँ मिल जाते हैं इसके टेल लाइट, जो कि LED वगैरह इसमें कुछ नहीं है, सब इसमें हैलोजन यूनिट मिलेगा आपको, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट। यहाँ पे दिया हुआ है इसका नंबर प्लेट की हाउसिंग, और यहाँ पे एक हैलोजन लाइट के साथ ही है, LED नहीं। यहाँ पे है इसका एग्जॉस्ट, बॉडी क्लैडिंग, एंड आपको टोइंग हुक इसका यहाँ मिल जाएगा विद 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर। अब इसका बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी मतलब मैसिव सा है। अगर आप इस सीट को अनफोल्ड ही रखते हैं तो ये कम से कम 1000 लीटर के आसपास का है, और अगर आप इसको ओपन कर देंगे, मतलब अगर ऑपरेट ना करें, मतलब सिर्फ ओपन कर दें, तो ये 550 लीटर्स का रह जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका जैक, और खासा कुछ इसके यहाँ पे है नहीं। हाँ, यहाँ पे मिल जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, फिजिकल एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है, और ये रहा इसका एड ब्लू की प्लेसमेंट, BS6 बोलेरो की बैजिंग, और यहाँ पे आपको फेक इसमें वेंट्स दिए हुए हैं, और कुछ ऐसी है इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल। अब ये तो हो गई गाड़ी दिखने वगैरह हम कैसे है, यहाँ पे दिया हुआ है एमहॉक्स D75 की बैजिंग, मतलब ये डीजल इंजन है 75 bhp के साथ। नाउ लेट्स सी, मतलब इंटीरियर भी घुमा ही लेते हैं एक बार। तो कुछ ऐसी मिल जाती है इसकी फ्रंट डोर, आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा, यहाँ पे इसका बॉटल होल्डर तो लग नहीं रहा है, डोर पॉकेट ही है, ग्रैब हैंडल इसका काफ़ी अच्छा है। और कुछ ऐसी इसी मिल जाती है आपको कि फ्लिप की है, आपको SUV 700 और बोलेरो सब में सेम ही की मिलेगी। अब इसका इग्निशन भी जरा ऑन कर लें, तो कुछ ऐसा दिखता है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी मतलब बहुत ही बेसिक है, बट आपको इसमें सब कुछ डिजिटल यूनिट मिलेगा, कुछ एनालॉग वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इसमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, इंजन, ब्रेक लाइट, बैटरी का स्विच और फ्यूल गेज वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक वॉच भी मिल जाती है, तो यहाँ दिए हैं इसके AC वेंट्स, और इसमें ब्लूटूथ आपको स्पीकर आता है, कोई स्टूडियो खासा इसमें आता नहीं। मैनुअल AC आपको मिल जाती है हीटर के साथ, यार इसका 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल होल्डर, 2 कप होल्डर्स, RPM से कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये रहा इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, और पॉइंट होल्डर आपको मिल जाएगा। आप देखो अब इसमें एयर बैग भी आने, दो एयर बैग आपको मिलते हैं यहाँ पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड, और
हॉर्न ठीक ठाक है, शोरूम के अंदर है तो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बट एज सच कुछ लाउड है नहीं। आप यहाँ इसके IRVM मिल जाते हैं जो कि मैनुअल कंट्रोल के साथ आते हैं। अब सनवाइजर पे आपको कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दिया है, ना ही पैसेंजर साइड ना ही ड्राइवर साइड। आपको इसमें 3 ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, इन 7 सीटर SUV। यहाँ पे इसकी माइक की प्लेसमेंट, ये रही इसकी हेलोजन लाइट। अब देखो सीट कुशनिंग ठीक ठाक है, बट लंबार सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा लैकिंग है। हेडरूम का तो कोई इशू है ही नहीं इस गाड़ी में, काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, मतलब गाड़ी काफ़ी है, मेरी 6 फीट हाइट है तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली इसमें बैठ जाता हूँ। और पैडल्स की बात कर लें, अब इसके पैडल्स जो है ना वो थोड़े उठे उठे लगते हैं, मतलब आप यहाँ ऐसे रख के नहीं चला सकते, आपको ऐसे ऐसे दबाना ही पड़ेगा घुमा फिरा के। बट एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ईजी है, बट आपको पैर लिफ्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प्स कंट्रोल, यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर और बोनट ओपनर आपको यहाँ मिल जाएगा इसका। अब इसकी रियर प्रोफाइल देख लेते हैं ज़रा, मतलब रियर स्पेस। अब देखो लेंथ तो मतलब काफ़ी अच्छी है, तो 3 लोग इस पर बैठ तो सकते हैं। आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एक आर्मरेस्ट के साथ। अब देखो लेग रूम तो कम है इसमें, नी रूम अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। हेड रूम की सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आप इसका रियर सीट देखें ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे मिड वेरिएंट में भी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपको, बट यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। और रियर में आपको जंप सीट मिलती है, अगर आपको बैठाना है तो बच्चों वगैरह को बैठा लीजिए, अदरवाइज उसको बूट के ऐसा यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होगा। अब ये तो हो गई गाड़ी दिखने वगैरह में कैसे है, नाउ लेट्स सी शुड यू कंसीडर इट और नॉट। देखिए अगर आप कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो कि बिल्कुल रॉ हो, उसको आप कहीं भी ले जा सके बिना किसी नुकसान के डर से, तो बलेरो आपके लिए बेस्ट है। इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है और रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी, और इसका रीसेल भी काफ़ी अच्छा है सेम एज ऑफ फॉर्च्यूनर। बट अगर आपको अर्बन एरियाज़ के लिए चाहिए ना, तो मैं कहूँगा आप बुलेरो नियो प्रीफर करें, वो थोड़ा सिटी टाइप लगती भी है, उसका पावर भी अच्छा है, कंफर्टेबल भी गाड़ी, और प्रीमियम भी लुक है उसके। तो अगर आप बुलेरो नियो या फिर महिंद्रा के किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो ऊपर विक्रम सर और नीति सर का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, फर्दर डिटेल्स के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको किसी भी कार या बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉन्टैक्ट करें, एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट। सो दिस वॉज महिंद्रा बुलेरो 2022 रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।